तिजारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल गुप्ता ने अपहरण कर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है और 1,00,000 रुपए का दोनों आरोपियों को अर्थ दंड भी दिया है। अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार जैन ने पैरवी करते हुए बताया कि मुसेपुर गांव निवासी पीड़िता ने तिजारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 2/8/2016 को पीड़िता शाम को 5 बजे बस स्टैंड पर आ रही थी तो रास्ते में अख्तर पुत्र रमजान सरपंच मेव निवासी जरोली शकील पुत्र मगरुद्दीन निवासी पड़ेनी थाना तावड़ू हरियाणा दोनों आरोपी मुझको मोटरसाइकिल पर पियर की कहकर सिरमोली गांव ले गए, एक कमरे में बंधक बनाकर जबरदस्ती बलात्कार किया। तिजारा पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश शंकरलाल गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपहरण कर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म मानते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास और दोनों आरोपियों को 1,00,000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। श्री शंकरलाल गुप्ता ने अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले दोषियों को सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास जो किया, प्रत्येक को 1,00,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित। मुलजिम मिस्सा उर्फ अख्तर पुत्र रमजान सरपंच निवासी जेरोड़ी थाना तिजारा वे शकील पुत्र मकरुद्दीन जाति मेव निवासी पडेणी थाना तावड़ू थे उक्त अभियुक्त, जिनको अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है।